नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मयंक अग्रवाल, सीनियर साइकियाट्रिस्ट, नशा मुक्ति स्पेशलिस्ट और माइग्रेन स्पेशलिस्ट हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है सेरोटोनिन। अगर व्यक्ति के माइंड में यह सेरोटोनिन की कमी हो जाती है तो उसको क्या क्या हो सकता है और इसके लेवल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इस केमिकल को हम ब्रेन में कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। सेरोटोनिन ब्रेन में पाया जाने वाला एक कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर व्यक्ति के ब्रेन में इसकी कमी हो जाए तो व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है, उसको एंजाइटी हो सकती है, फोबिया हो सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, उसको सोशल एंजाइटी हो सकती है और भी कई तरीके की उसको बीमारी होती है। अगर किसी व्यक्ति को सेरोटोनिन की कमी हो गई है तो कैसे पता लगेगा? सेरोटोनिन ब्रेन में पाया जाने वाला एक केमिकल है। इसकी कमी को हम किसी लैब इन्वेस्टिगेशन या टेस्टिंग से पता नहीं लगा सकते। यह केवल व्यक्ति को अपने सिम्टम्स के हिसाब से ही हमको पता लगाना पड़ता है कि व्यक्ति के ब्रेन में इस केमिकल की कमी हो गई है और व्यक्ति को यह केमिकल की जरूरत है। तो अगर व्यक्ति को सेरोटोनिन की कमी हो गई है तो उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, बेचैनी होगी, उदासी लगेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, उसको बहुत ज़्यादा चिंता होगी, घबराहट होगी। किसी किसी व्यक्ति को सोशल एंजाइटी होती है। सोशल एंजाइटी में क्या होता है, व्यक्ति को लोगों से बात करने में डर लगता है, उसको बाहर जाने में डर लगता है, ऐसा प्लेस यहाँ बहुत सारे लोग हैं वहाँ जाने में डर लगता है, इस तरीके के सिम्टम होंगे। किसी किसी को ओसीडी होती है। ओसीडी में व्यक्ति को बार बार हाथ धोना, बार बार दरवाजा चेक करना, नहाने में टाइम लगाना, हर वस्तु परफेक्शन में होना, या किसी किसी को रिलीजियस ओसीडी होती है, उसको भगवान के बारे में गलत विचार आते हैं। तो इस तरीके का अगर व्यक्ति में सिम्टम है तो उसको समझ लेना चाहिए उसको सेरोटोनिन की कमी हो गई है और उसकी उसको अब जरूरत है। इसके बाद हम बात करेंगे अगर व्यक्ति को सेरोटोनिन की कमी हो गई है तो उसके लेवल को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर व्यक्ति को इसका लेवल इंक्रीज करना है उसके दो तरीके हैं। पहला है नेचुरल वेज, दूसरा है मेडिसिन। नेचुरल वेज में व्यक्ति को डेली एक्सरसाइज करनी है, उसको हाई प्रोटीन डाइट खाना है, उसको योगा करना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। यह सब करने से व्यक्ति का सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज होता है। इसके अलावा मार्केट में जो मेडिसिन अवेलेबल हैं जो बहुत जल्दी काम करती हैं, जो लेने के बाद व्यक्ति का सेरोटोनिन का लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है, उसमें जो सबसे कॉमन मेडिसिन है वह है SSRI, जिसको हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर भी बोलते हैं। यह सबसे ज़्यादा कॉमन प्रेस्क्राइब मेडिसिन है। इसको लेने के बाद व्यक्ति का सेरोटोनिन लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और 2 से 3 वीक के बाद अगर व्यक्ति ये मेडिसिन लेता है तो उसका लेवल काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो SSRI में जो मेडिसिन है, सबसे कॉमन मेडिसिन है वह उसमें एसिटालोपराम है, पैरोक्सिटीन है, सर्टालीन है, इस तरीके की जो मेडिसिन हैं अगर व्यक्ति लेता है तो उसका लेवल काफ़ी इंक्रीज होता है। यह मेडिसिन कैसे काम करती है? यह मेडिसिन ब्रेन में जो केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म को रोकती है। यह मेडिसिन में सेरोटोनिन नहीं होता है, यह केवल ब्रेन में जो एक्चुअल में केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है उसका मेटाबॉलिज्म को रोकती है और ऑटोमेटिक ब्रेन में केमिकल लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, उसमें एक SNRI ग्रुप की मेडिसिन है जिसको हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन नॉन एडिनिलिन रिअपटेक इनहिबिटर बोलते हैं। यह मेडिसिन सेरोटोनिन के अलावा नॉन एडिनिलिन का लेवल भी इंक्रीज करती है। इसमें 2 मेडिसिन हैं जिसका नाम है वेलनाफेक्सिन और टुलोक्सिटिन। यह मेडिसिन लेने के बाद भी व्यक्ति का सेरोटोनिन का लेवल काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरी मेडिसिन है जिसको हम बोलते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, यह मेडिसिन काफ़ी पावरफुल मेडिसिन है लेकिन यह मेडिसिन सिलेक्टिव नहीं होती है। यह मेडिसिन सेरोटोनिन का लेवल को ब्रेन में हर एरिया में इंक्रीज करती है और काफ़ी पावरफुल मेडिसिन होती हैं। यह मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है और व्यक्ति उसको लॉन्ग टर्म में भी ले सकता है। इसके अलावा कुछ एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जिसको लेने के बाद भी व्यक्ति का सेरोटोनिन का लेवल काफ़ी इंक्रीज होता है। इसमें कॉमन मेडिसिन हैं, इसका नाम मेटाजापिन है या फिर वॉटीऑक्सिटिन है। यह मेडिसिन काफ़ी अच्छी है और इसमें कम से कम साइड इफेक्ट्स होता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है यह मेडिसिन कब तक लेनी है और यह मेडिसिन का लेने के बाद इसका ब्रेन में लेवल कैसे इंक्रीज होता है। यह मेडिसिन बहुत जल्दी काम नहीं करती हैं। व्यक्ति अगर लंबे समय तक लेता है, एटलीस्ट 3 वीक्स 4 वीक्स, तब उसका रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। व्यक्ति अगर मेडिसिन स्टार्ट करता है तो उसको लगता है 1 वीक हो गया है या 1 हफ्ता हो गया है, 2 हफ्ते हो गए, उसको लगता है कि मेरा ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है या उसके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो व्यक्ति को समझना चाहिए यह मेडिसिन को इफेक्ट आने में टाइम लगता है, यह बहुत जल्दी काम नहीं करती है। तो अगर किसी व्यक्ति को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, उसके ब्रेन में डॉक्टर ने बोला है
कि यह केमिकल की कमी हो गई है, उसको सेरोटोनिन की टैबलेट लेनी पड़ेगी, तो उसको SSRI ग्रुप की जो मेडिसिन है जिसको हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर भी बोलते हैं, वही मेडिसिन लेनी चाहिए। वो काफ़ी पावरफुल है, व्यक्ति लॉन्ग टर्म तक ले सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसको लेने से। अगर व्यक्ति दूसरी मेडिसिन भी कोई ले रहा है, मान लो व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, उसके साथ में भी वह मेडिसिन ले सकता है। जिस किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने बोला है सेरोटोनिन की कमी हो गई है या उसका लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो व्यक्ति को SSRI ग्रुप की मेडिसिन ही लेनी चाहिए। थैंक यू।